दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का पार्ट वन होगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, मतलब कौन से प्रोविडेंट फंड का कितना पार्ट टैक्सेबल होता है जो कि हमारी टैक्सेबल सैलरी में जाकर के ऐड होता है, तो इनकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, बिफोर रिटायरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिफोर रिटायरमेंट में अलाउंसेज हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अलाउंसेज के अंडर में फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड और पार्शियली एग्जेम्प्टेड, जिसमें हमने एचआरए और अदर जो अलाउंसेज होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे। इसके बाद परक्यूजिट भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें टैक्स फ्री परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट का वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि रेंट फ्री हाउस था, मोटर कार था, ठीक है, अदर टैक्सेबल परक्यूजिट थे। तो ये सब टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पिछले वीडियोस में और सब सीक्वेंस में मैंने कवर कराया और लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप चाहें तो पिछले वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। तो आप लिंक कर पाएंगे इस चैप्टर को, हर एक वीडियो को आप लिंक कर पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अभी हम लोग बात करें तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसको करके हमारा जो बिफोर रिटायरमेंट वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड का है इसकी टैक्सेबिलिटी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके बाद हम लोगों का बिफोर रिटायरमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। अब देखें, जब सैलरी स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है, जो सैलरी की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सैलरी जो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड होता है वो कवर होता है सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 के बीच में, मतलब सेक्शन 15, 16 और 17, इन तीन सेक्शन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। सेक्शन 15 में हम लोगों को ये बताया जाता है कि कौन सी सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी, जैसे एडवांस सैलरी की बात हमने करी थी, ठीक है, एरियर्स जो होते हैं सैलरी के वो आ जाते हैं इसमें, तो वहाँ पर हम लोगों ने टैक्सेबिलिटी की बात करी थी कि कौन सी सैलरी टैक्सेबल होगी। इसके बाद सेक्शन 16 की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 16 के अंदर में डिडक्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स होंगे जिनको हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी से, तो इसमें तीन तरीके के देखे थे। एक तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन था, ठीक है, जो 50,000 रुपये का होता है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन था और एक था एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन, तो इन तीनों की बात हमने करी थी। इसके बाद लास्ट था सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर में डेफिनेशंस बताई गई थी, ठीक है, सेक्शन 17 के अंदर में डेफिनेशन दी थी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंडर में सैलरी की बात की थी कि कौन कौन सी इनकम को सैलरी माना जाता है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर में परक्यूजिट आते हैं और सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के अंदर में प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी बताया जाता है कि मतलब कौन कौन से ऐसे आइटम होंगे जिनको हम लोग कंसिडर करेंगे प्रॉफिट्स इन लिए ऑफ सैलरी। ठीक है, मतलब सैलरी के अलावा ये मिलते हैं तो इनको हम लोग कंसिडर करते हैं प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट में बोला द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव बाय एन एसेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। तो यहाँ पर क्या बोले कि कोई एक मान लीजिए अमाउंट मिला है एज अ कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। अब ये जो कंपनसेशन है ये किस लिए मिल रहा है, मान लीजिए कि उसका टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से। जैसे आप देखते हैं ना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर एम्प्लॉय जो है वो बिना बताए अगर छोड़ता है जॉब को या नोटिस दिए बिना अगर छोड़ देता है वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे उसको एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयर उसको निकालता है, उसको टर्मिनेट करता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी उसको कंपनसेशन दे करके निकाला जाता है, या फिर कोई उसकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन अगर होगा तो भी उसको कंपनसेशन पे किया जाता है। मान लीजिए उसके उसके आवर्स बढ़ा दिए, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी कोई तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा थी, तो इस केस में क्या होता है कि उसको कंपनसेशन दिया जाता है नॉर्मली। तो ये कंपनसेशन काउंट होगा प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी में, मतलब ये जो कंपनसेशन वो रिसीव कर रहा है ये टैक्सेबल सैलरी के लिए ऐड हो जाएगा जा करके। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखें, एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाई एन एसएससी फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर वेयर एन एम्प्लॉयर गिफ्ट टू हिज एम्प्लॉई एनी सम बाई वे ऑफ पर्सनल गिफ्ट एंड नॉट इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर जो है वो किसी तरीके का सम उसको देता है, कोई एक अमाउंट उसको अपने एम्प्लॉयर को देता है, और ये जो अमाउंट दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, एक पर्सनल गिफ्ट के तरीके से दे रहा है, ना कि उसकी एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, मतलब उसकी सर्विस जो अपने वो एम्प्लॉय उसको दे रहा है एम्प्लॉयर को, उस सर्विस के एप्रिसिएशन भी नहीं दे रहा उसको, लेकिन किस लिए दे रहा है, अपने पर्सनल रिलेशन के लिए जैसे वो गिफ्ट उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर कभी आपको इस तरीके का कोई आइटम मिल जाता है अपने क्वेश्चन में तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, वो टैक्सेबल नहीं होगा एम्प्लॉय के उस पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट में बोले एनी पेमेंट मेड फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो ये अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ।
तो इसको अभी आप छोड़िए, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो बस ये समझ लीजिए कि कोई अगर एक पेमेंट रिसीव करता है फ्रॉम एन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अदर फंड विल बी इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल बट इट विल बी टैक्सड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नॉट एज सैलरी इनकम। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये सब की बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पर बस आप एक चीज़ का ध्यान ये रखिए कि कोई भी पेमेंट अगर रिसीव करता है एम्प्लॉय फ्रॉम एन अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड या कोई अदर फंड, इट विल नॉट इंक्लूड इम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, इम्प्लॉयर का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था वो वहाँ पर आएगा, और साथ में जो इम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिला है ये जाकर के उसका सम वहाँ पर प्रॉफिट इन लो सैलरी में ऐड होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट ने बोले एनी पेमेंट रिसीव अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। तो अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी उनके ऊपर ली जाती है, जैसे जो की मैन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनल होते हैं कंपनी के, उनकी लाइफ पे लिया जाता है, क्योंकि अगर उनकी लाइफ को कुछ होता है तो एम्प्लॉयर को हैवी लॉसेस बियर करने पड़ते हैं वहाँ पे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, उनकी लाइफ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, तो इसको बोला जाता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर इससे कोई सम रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस तो वहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखें, एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड वेदर इन लमसम और अदरवाइज बाई एन एसएससी फ्रॉम एनी पर्सन। दो पॉइंट है इसमें, बिफोर ज्वाइनिंग एनी एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन और आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन। मतलब किसी एक पर्सन से अगर वो अमाउंट कोई रिसीव करता है, अब वो अमाउंट लमसम में भी रिसीव कर सकता है और मंथली या पीरियोडिकल बेसिस पे भी वो रिसीव कर सकता है, और ये सब वो जो रिसीव करेगा वो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पे पहले, मतलब ज्वाइन करने की उस पर्सन के साथ जो एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के पहले ही वो ज्वाइनिंग के पहले ही वो रिसीव कर ले, या फिर जब उसका ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाती है उसकी जॉब, उसके बाद वो रिसीव अगर करता है तो भी वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इन लो सैलरी के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पांच पॉइंट है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में घुसना नहीं है इसमें, बस पॉइंट को याद रखिए कि क्या क्या चीज़ों को प्रॉफिट इन लो सैलरी हम लोग मानते हैं अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 बस। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे बोले हाउएवर द फॉलोइंग रिसीट्स विल नॉट बी टर्म्ड एज प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी टू द एक्सटेंट दे आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 जो है इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम्स आती है, ऐसी इनकम जिन पे आपको टैक्स नहीं देना है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए, तो ये सब जो होती है इनके अंडर में कुछ कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है, जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ठीक है, ये कवर होती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंडर में। कम्यूटेड पेंशन, अब ये ग्रेचुटी क्या होती है, कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, तो ये सब हम लोग जब रिटायरमेंट वाला वीडियो करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आप बस ये देख लीजिए कि कौन कौन से आइटम को हम लोग प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी नहीं मानेंगे। एक तो हो जाता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, उसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अ स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड, एनी पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13, और हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ए। तो इन सब आइटम का जितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा उस पोर्शन को आप प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोले हाउएवर द फॉलोइंग रिसीट्स विल नॉट बी टर्म्ड एज प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी टू द एक्सटेंट दे आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ठीक है, जितना पोर्शन उनका एग्जेम्प्ट होगा उसको हम नहीं मानेंगे प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी, उसके अलावा हम लोग मान सकते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा जो प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी था ये कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविडेंट फंड की। देखिए प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रोविडेंट मींस टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, हेंस दिस फंड इज टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय का फ्यूचर है रिटायरमेंट के बाद का, क्योंकि हम लोग जो प्रोविडेंट फंड की जब बात करते हैं तो वो रिटायरमेंट से ही रिलेटेड होता है। इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो अपनी सर्विस के उसमें देता रहता है, मतलब जो सर्विस का उसका पीरियड है उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करता रहेगा, जैसे हम लोग करते हैं ना इन्वेस्टमेंट हर महीने, तो उसी तरीके से उसकी सैलरी से कुछ कुछ पैसा हर महीने कटता रहता है इस प्रोविडेंट फंड के उसमें। लेकिन इसका जो अमाउंट मिलता है वो या तो डेथ पे मिलेगा या तो फिर एम्प्लॉय के जब रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे मिलता है, ताकि जब रिटायरमेंट के बाद उसकी इनकम बंद हो तो उस टाइम पे उसके पास में एक लमसम अमाउंट अच्छा खासा आ जाए जिससे कि वो अपना फ्यूचर आराम से काट सके, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड में यहाँ पे क्या बोले, प्रोविडेंट मीन्स टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर, हेंस दिस फंड इज टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, दिस फंड इज क्रेडिटेड, ठीक है, इस फंड में क्रेडिट होता है, मतलब जोड़ता है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके इस फंड में डाला जाता है, तो इसको बोला जाता है कि क्रेडिटेड हो गया उस फंड में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैंक अकाउंट में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं तो क्रेडिट होता है वहाँ पे, तो उसी तरीके से हर महीने मान लीजिए कि ये एक फंड बना रखा है पूरा, ठीक है,
ये एक प्रोविडेंट फंड बना रखा है, कोई भी हो, स्टैचुटरी हो, रिकॉग्नाइज हो, कुछ भी हो, ये एक फंड बना रखा है। मान लीजिए इंप्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है, अब इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये इस फंड में से, 10,000 में से मान लीजिए कि 2,000 रुपये हर महीने कट के इस फंड में ऐड हो जाते हैं। मतलब इसकी इंप्लॉय की सैलरी 10,000 थी, उसमें से 2,000 रुपये कट गए, अब इसको कितनी मिल रही है, 8,000 रुपये मिल रही है। लेकिन ये 2,000 रुपये इसके ये थोड़ी कि खत्म हो गए, डिडक्ट हो गए, ये 2,000 रुपये इस फंड में ऐड हो जाते हैं, मतलब इसी फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। और जितना ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जितना पैसा एम्प्लॉय से कटेगा उतना ही पैसा क्या करता है, एम्प्लॉयर के उससे भी जाता है। तो मतलब जितना पैसा एम्प्लॉय देगा उतना ही 2,000 रुपये एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कि मतलब इसमें कितना हो गया, 2,000 ये और प्लस 2,000 ये, तो ये 4,000 रुपये इसमें ऐड हो गए। और साथ में इस पर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है, या मान लीजिए एम्प्लॉयर की अगर उसकी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है सर्विस के टाइम में, मतलब अभी रिटायर नहीं हुआ, डेथ हो गई उसकी, तो उस टाइम में ये पूरा का पूरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है ये उसके घर वालों को मिल जाता है। और अगर वो रिटायर हो रहा है तो उस केस में फिर उसी को वो पूरा पैसा मिलता है। मतलब ये 4,000 रुपये जो हर महीने उसके ऐड हो रहे हैं ये, और साथ में जो इंटरेस्ट इस पर बना होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही चीज़ बोली जा रही है, दिस फंड इज क्रेडिटेड बाई एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एवरी मंथ एट अ सर्टेन रेट, एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो मेक्स हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फंड, ठीक है। एम्प्लॉयर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, नॉर्मली जितना उसमें एम्प्लॉय कर रहा होता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से वहां पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने कहा ना आपसे इंटरेस्ट यहां पर मिलता है, विच इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। मतलब हर महीने क्या होता है कि जो इस पर इंटरेस्ट हो रहा है वो इंटरेस्ट भी जैसे जैसे होता है इस पे ऐड होता जाता है, मतलब एक्यूमुलेट होता जाता है, और इंटरेस्ट भी एक तरीके से इन्वेस्ट होता जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या बोले, व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम हिज सर्विस ही रिसीव दिस अमाउंट इन लमसम अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑन इट, इफ अनफॉर्चुनेटली द एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ हिज सर्विस द अमाउंट ऑफ दिस फंड इज रिसीव्ड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन और लीगल हायर्स विच इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे पूरा का पूरा लमसम अमाउंट इस प्रोविडेंट फंड से उसको मिल जाएगा। इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती तो उस केस में क्या होगा कि उसकी वाइफ को, अगर वाइफ नहीं है तो मान लीजिए उसके बच्चों को, और अगर बच्चे भी नहीं है तो उसका जो भी लीगल हायर होगा, उसके भाई बहन जो भी होंगे, मम्मी पापा, उनको वो पैसा वहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि उनके फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा उसको, ठीक है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड की मीनिंग। अब इस प्रोविडेंट फंड में कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो देखिए टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड में आपको यहाँ पर चार तरीके के देखने को मिलेंगे। एक होगा स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इनकम फ्रॉम सैलरीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज में हमारे लिए बस ये तीन जो हैं ये रेलेवेंट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इनकम फ्रॉम सैलरी से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। लेकिन मैं मीनिंग आपको इसकी भी यहाँ पर बता दूंगा, ताकि इन केस अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी भी रिलेटेड आपसे इसे पूछ लिया जाता है तो आप इसका वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तो ये चार तरीके के प्रोविडेंट फंड के टाइप्स हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कि टैक्सेबिलिटी कितनी होती है, मतलब स्टैचुटरी वाला कितना टैक्सेबल होगा, रिकॉग्नाइज्ड वाला कितना टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज में, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की किस तरीके से टैक्सेबिलिटी की जाती है। तो इनकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बस हम इनके मीनिंग समझ लेते हैं। अब देखिए जब हम स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो स्टैचुटरी का मतलब क्या है, दिस स्कीम इज सेटअप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, ठीक है। जनरली दिस फंड इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज लाइक लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटीज, अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, GPF भी इसको हम लोग बोलते हैं, नॉट मेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब अगर आप ध्यान दें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए जानने वाली, एक तो देखिए यह है कि ये जो स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड होता है, स्टैचुटरी का आप समझिए कि एक तरीके से मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये जो फंड है ये सेटअप होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर में। दूसरी चीज़, ये जो फंड है ये कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे कि लोकल अथॉरिटी हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई गवर्नमेंट की, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस, नेशनलाइज्ड बैंक्स, तो ये सब इसको मेंटेन करते हैं, और इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है जनरल प्रोविडेंट फंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वाला जो फंड होता है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए होता है स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड। देखिए कैटेगराइज करना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर फंड यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। जब स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, जैसे रिटायरमेंट में जब देखेंगे इसका जब पैसा मिलता है,
रिटायर हुआ मान लीजिए एम्प्लॉय और उसको स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड का एक भी रुपया टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है, जब मिलता है लमसम रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है, रिकॉग्नाइज्ड की बात करेंगे तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा वहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है, जैसे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो डिटेल में आपको बताऊंगा जब उसमें रिटायरमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करके एक एक चीज़ बताऊंगा कि प्रोविडेंट फंड में कौन कौन से प्रोविडेंट फंड का कितना कितना पैसा टैक्सेबल होता है। यहाँ पर बस इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है इनको कैटेगराइज करना अलग अलग। इसके बाद देखिए आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, एनी फंड और स्कीम विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एक ऐसा फंड जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसके बाद क्या बोले, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 20 और मोर मेंबर्स शैल इन्वेस्ट फंड्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 एंड कैन गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जनरली दिस फंड इज मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स, फैक्ट्रीज एंड सेवरल बिजनेस हाउसेज, दस दिस फंड इज मेंटेन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 20 और से ज़्यादा लोग जब काम कर रहे हैं और वो लोग एक फंड या स्कीम के अंदर मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, कोई ये उन्होंने फंड बना लिया या कि कोई एक स्कीम थी उसकी प्रोविडेंट फंड की, इसमें ये लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के 20 या उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, और इन्वेस्ट करने के बाद इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट करी है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के प्रोविजंस के या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करते हैं लोग, ये लोग एक अप्रूवल ले लेते हैं किससे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है, जो अप्रूवल मतलब कि इस फंड को रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं, तो इसको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और ये जो ध्यान देने वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगी कि ये जो फंड है ये कौन मेंटेन करता है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ये फंड को मेंटेन करती है। तो बस इतना आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होगा, जिसको रिकॉग्नाइज किया हो किसने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, उसको हम लोग बोलते हैं RPF यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब देखिए रिकॉग्नाइज में क्या था, जिसको रिकॉग्नाइज किया हो किसने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज ना किया हो उसको हम क्या बोलेंगे, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज़ दैट प्रोविडेंट फंड विच इज़ नाइदर स्टैचुटरी नॉर रिकॉग्नाइज, एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन दिस फंड, इट इज़ अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर होता है वो तो उसको अप्रूव कर देता है, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको अप्रूव नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। दिस फंड इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए जो सैलरीज में इंपॉर्टेंट जिसपे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक तो होगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। स्टैचुटरी का बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम पे इसका देखने को मिलेगा। देखिए जब रिटायरमेंट के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा, और जब आप बिफोर रिटायरमेंट कर रहे होंगे तो फिर आपको बिफोर रिटायरमेंट में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना के दिखा दी। अब ये तीनों फंड जो है ये हमारे इनकम फ्रॉम सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं। इसके अलावा अब आता है हम लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है वो जनरल पब्लिक लिए होता है, इसका एम्प्लॉई से कोई रिलेशन नहीं होता, कि मतलब कोई एम्प्लॉई है तभी वो उसको मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फंड्स हैं ये एम्प्लॉई के थ्रू मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे जमे होते हैं, तो एम्प्लॉयर इनमें इन्वेस्ट करता है और एम्प्लॉय भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे ये SPF हो गया, RPF हो गया या फिर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया। तो अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तभी आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है ये पब्लिक के लिए ओपन रहता है, मतलब कोई भी इसमें चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर वो एम्प्लॉय है, चाहे वो एम्प्लॉय नहीं है, तो वो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 1968। एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जो कि सैलरीड एम्प्लॉय हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल होना चाहिए बस, कैन सब्सक्राइब टू दिस फंड एनी अमाउंट बींग नॉट लेस देन ₹500 एंड नॉट मोर देन ₹150,000 इन अ ईयर। मतलब एक साल में ₹500 से कम और ₹1,50,000 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 500 से लेकर के ₹1,50,000 के बीच में कोई भी अमाउंट एक इंडिविजुअल इस प्रोविडेंट फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोविडेंट फंड का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखें, वन कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन इंस्टॉलमेंट्स विच कैन नॉट एक्सीड 12 इन अ ईयर, ठीक है। तो चाहिए तो आप
पूरे साल में एक बार में उठा करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए इसमें, ठीक है, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में डालिए इसमें, और इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो इसीलिए 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। उसके बाद क्या बोले, एन इंडिविजुअल कैन ओपन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आइदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर ऑफ होम ही इज अ गार्जियन। तो देखिए जो बाकी के हमने अभी प्रोविडेंट फंड देखे वो एम्प्लॉय का ही उस पे नाम पे खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने बेटे, जैसे माइनर होगा अगर उसका, मान लीजिए बेटा, ठीक है, 18 साल से कम, तो उसके नाम पे भी खोल सकता है वो, तो यहाँ पर माइनर के नाम पे भी खोल सकता है, लेकिन क्या होगा ये अपने नाम पे खोले या तो फिर अपने माइनर के नाम पे खोले जिसमें कि गार्जियन वो रहेगा वहाँ पर, ठीक है, तो ये किसी के नाम पे भी खोल सकता है। हाउएवर एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन अकाउंट इन हिज ओन नेम, मतलब हर एक इंडिविजुअल को, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट उनके नाम पे मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक्स में, तो हम लोग अपने ही नाम पे कई बैंक्स में अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए आपने HDFC में खुलवा लिया, एक ICICI में खुलवा लिया, एक SBI में खुलवा लिया, लेकिन जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट होता है इसमें एक ही आप अकाउंट खोल सकते हो बस अपने नाम पे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम कैन बी ओपनड एट द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरीज और एट द ब्रांच ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑथोराइज्ड फॉर दिस पर्पज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है अकाउंट, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है वो किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर उसकी सब्सिडरी हो गई, ठीक है, या फिर उसकी ब्रांच हो गई, या फिर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जो कि ऑथराइज्ड है किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर्पस के लिए, मतलब इस प्रोविडेंट फंड के लिए उनको ऑथराइज किया गया, उसमें आप अपना अकाउंट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का वो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या बोले, एनी टाइम आफ्टर द एंड ऑफ 6th फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट अ सब्सक्राइबर मे विदड्रॉ एज पर रूल्स, हाउएवर नॉट मोर देन 1 विदड्रॉल इज परमिसेबल ड्यूरिंग एनी 1 ईयर। तो देखिए नॉर्मली इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है, ठीक है, इसका जो लॉक इन होता है वो 15 साल का होता है, मतलब 15 साल के पहले एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दिया तो 15 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, अब आपका यहाँ पर 5 साल पूरा हो गया, ठीक है, अब इसके बाद 6th ईयर से आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा 15 साल तक पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, पूरा मतलब ऐसा नहीं जैसे FD करते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट वाली जो आपको अगर नहीं करना है तो आप उसको ब्रेक करके अपना कुछ पेनाल्टी आप पे पड़ती है, इंटरेस्ट आपका खत्म कर दिया जाता है, कुछ काट दिया जाता है, लेकिन आपको वापस कर दिया जाता है पैसा। लेकिन अगर इसमें आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा एक बार डाल दिया तो 15 साल तक वो पूरा का पूरा लॉक इन हो जाता है, और 15 साल का लॉक इन ऐसा नहीं कि आप उसमें बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल खत्म होने के बाद मतलब 6th ईयर से आप इसमें से कुछ कुछ विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन एक साल में एक विड्रॉल से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे ये बोले हाउएवर नॉट मोर देन 1 विड्रॉल इज परमिसेबल ड्यूरिंग एनी 1 ईयर, तो एक साल में सिर्फ एक ही बार आप उसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इंटरेस्ट जो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे मिलेगा ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी आपको टैक्स इस पे नहीं देना है। अब देखिए जब भी लॉक इन पीरियड होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 15 ईयर्स का यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, तो जब भी किसी भी स्कीम में आप देखेंगे कि अगर लॉक इन पीरियड वहाँ पर है तो नॉर्मली उसका जो टैक्स उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है आपको, जो भी आपको उस पर रिटर्न मिला है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, द डिपॉजिट्स इन दिस फंड अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर आर एंटाइटल टू अ डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के अंडर में, ठीक है, 80C जब हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग 80C से लेकर के 80U के जितने भी डिडक्शन होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरे के पूरे जो 5 हेड होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम जब आप निकाल लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप अपना डिडक्शन उसमें से लेस करते हैं, जो कि कवर होता है 80C से लेकर के 80U के बीच में। इसके बाद जो इनकम आपकी आती है वो होती है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो जो ये वाला होता है, ठीक है, जो डिपॉजिट आप इस फंड में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं साल में इस फंड में, तो 1 लाख रुपये का आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा 80C के अंडर में। और 80C के अंडर में ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 80C के अंडर में कितना अमाउंट वो होता है डिडक्शन के, उसमें मैक्सिमम मिल सकता है आपको, तो 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपये का अमाउंट जो है वो आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इस पर्टिकुलर डिडक्शन के अंडर में, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि डिडक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी जान लीजिए कि जो डिपॉजिट आप कर रहे हो इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, और मैक्सिमम आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी, 1,50,000 की। तभी देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट आपसे बोला कि 1,50,000 तक ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। इसके बाद देखिए क्या बोले,
फुल विड्रॉल इज अलाउड आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स का लॉक इन था, उसके बाद वो जो पैसा है वो निकाल सकता है, मतलब विड्रॉ कर सकता है वहाँ पर। लेकिन बट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर फुल पेमेंट विल बी मेड इवन विद इन दिस पीरियड टू हिज नॉमिनी और हिज लीगल हायर्स। तो 15 साल के मतलब 15 साल का लॉक इन था, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। 15 साल का लॉक इन पूरा होने के बाद पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता है वो इंसान। लेकिन मान लीजिए किसी 15 साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है अगर, तो क्या होगा कि उसका जो लीगल हायर होगा या उसका जो भी नॉमिनी उसने नाम दिया होगा वहाँ पर, उसको ये पैसा उसी के बीच में मिल जाता। मतलब 15 साल का लॉक इन का फिर वहाँ पर बात नहीं आएगी। अगर 10वें साल पर उसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की, तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो अमाउंट और पूरा जो इंटरेस्ट इस पर बना होता है वो अमाउंट वहाँ पर उसके नॉमिनी या लीगल हायर को दे दिया जाता है। इसके बाद इवन सब्सक्राइबर हैज़ एन ऑप्शन आइदर टू क्लोज हिज अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स और टू कंटिन्यू द अकाउंट फॉर अ फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द 5 ईयर्स ब्लॉक पीरियड अ सब्सक्राइबर शैल बी एलिजिबल टू मेक पार्शियल विड्रॉल्स नॉट एक्सीडिंग 1 एवरी ईयर, बट द टोटल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द 5 ईयर ब्लॉक पीरियड शैल नॉट एक्सीड 60% ऑफ द बैलेंस एट दिस क्रेडिट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेड पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड इसने पूरा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये 15 ईयर का लॉक इन पीरियड पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया उस सब्सक्राइबर के ऊपर, मतलब जो इंडिविजुअल जिसने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें, कि वो चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर ले या फिर वो इसको फिर से कंटिन्यू करवा सकता है। मतलब अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो कहेगा कि फिर से इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करने पर वो एक साल दो साल का होगा, अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसको अपना पैसा फिर से ब्लॉक करवाना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। मतलब 5 साल ये और प्लस 5 साल ये, तो टोटल 20 साल का उसका लॉक इन हो गया। तो अगले 5 साल के ब्लॉक ईयर के लिए वो फिर से इसको इन्वेस्ट कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि 5 साल के अगर इसने ये वापस इसको कंटिन्यू किया तो ये पैसा नहीं निकाल सकता, ये पैसा विड्रॉ कर सकता है 1 ईयर में, ठीक है, 1 विड्रॉल परमिसेबल है। और जो टोटल 5 साल के अंदर विड्रॉ करेगा, ठीक है, मान लीजिए हर साल पैसा वो निकाल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए इसने 20% अपने उसका जो अमाउंट यहाँ पर इसके क्रेडिट पे था वो उसका 20% इसने निकाल लिया। इसके बाद थर्ड ईयर में इसने 10% निकाल लिया। इसके बाद फोर्थ ईयर पे इसने 30% निकाल लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 20 + 10 + 30 तो कितना हो गया 60%। अब इसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब जितना भी उसका अमाउंट यहाँ पर बचा है उसका मैक्सिमम ये 5 साल के अंदर में 60% तक ही विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकता। तो फिफ्थ ईयर में जाकर के अगर ये कहें कि मुझे 10% अपने जो 40% बचे उनमें से और निकालना है, तो ये इसको अलाउड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 60% तक ही अलाउड होता है 5 साल के अंदर विड्रॉ करने के लिए, और 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही विड्रॉ वो कर सकता है। अब वो चाहे तो 1 साल के अंदर वो उठा करके 60% एक साथ में विड्रॉ कर ले, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में वहाँ पर विड्रॉ करें। और लास्ट में यहाँ पे क्या बोले, देखिए द एंटायर अमाउंट रिसीव फ्रॉम दिस फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट और जितना भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा इस फंड पे, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से, उसको कोई भी वहाँ पर टैक्स नहीं देना है। क्योंकि देखिए 15 साल का लॉक इन अगर लगा हुआ है तो कुछ तो फायदा उसको मिलना चाहिए, 15 साल उसने वेट किया है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है उसको इनकम टैक्स से। तो ये हम लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिस्कस कर लिया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके इनकम फ्रॉम सैलरीज के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, इसको ये मत समझेगा कि इनकम फ्रॉम सैलरीज के लिए भी ये रेलेवेंट है। यहाँ पर हम लोगों के लिए मेन जो है वो स्टैट्यूटरी है, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। बिफोर रिटायरमेंट पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये वाला जो है बिफोर रिटायरमेंट में, ये आपका बिफोर रिटायरमेंट में काम आता है, और जब वो जाती रिटायरमेंट हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद फिर हम लोगों का ये वाला आता है काम में। क्योंकि देखिए इसमें रिटायरमेंट में कंडीशन है, उसमें बिफोर रिटायरमेंट में कंडीशन है, तो वो आपको देख करके देते हैं कि बिफोर रिटायरमेंट का जब क्वेश्चन देंगे तो RPF का क्वेश्चन देते हैं, और जब रिटायरमेंट के बाद का देते हैं तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से देते हैं, ठीक है। तो इनकी टैक्सेबिलिटी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर टैक्सेबिलिटी के ऊपर होने वाली, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसके। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है, जो ये वाला वीडियो था इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।